हेलो एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान हम यहाँ आप विंग्स की तरफ से आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यू सीरीज ऑन जनरल इकोनॉमिक्स जो हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में है उस पर एक एमसीक्यू सीरीज़ है इन दिस एमसीक्यू सीरीज आपको पूरा समझाया जाएगा ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज बेसिक इकोनॉमिक्स या द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर सेज

अब ट्रेड ऑफ़ क्या होता है प्रिंसिपल वन सब वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल जो सबसे पहला प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का वो है पीपल फेस ट्रेड ऑफ़ लोग ट्रेड ऑफ़ फ़ेस करते हैं ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है अब ट्रेड ऑफ का मतलब अगर आसान भाषा में बोलें तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा इज द ट्रेड ऑफ़ ओके okay? कहते हैं ना कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है दिस इज़ ट्रेड ऑफ़ सिंपली अगर हम अपने बचपन से रिलेट करें हम सब ने ट्रेड ऑफ फेस किया है हम सब ने ट्रेड ऑफ़ फ़ेस किया है अगर हम अपने बचपन पे चले जाएं लाइक आज जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं जब हम अपने बचपन में थे तो हमें कितना पैसे मिलते थे घर वालों से लाइक खाने के लिए पाँच रुपए या दस रुपये आई डोंट थिंक सो so, इससे ज्यादा हमारे एज वालों को कभी मिले होंगे हाँ कोई वेरी रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो भाई मिले होंगे इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो so, किसी को मिले होंगे पाँच दस रुपये से ओके okay? सो so, उस पाँच दस रुपये में वी नीड टू एलोकेट कि हमें क्या खरीदना है पाँच रुपये में हमें चॉकलेट खरीदनी है या पेन खरीदनी है राइट सो दिस फाइव रुपीज इज लिमिटेड रिसोर्स रिसोर्सेज ऑफ स्टार्ट वो पाँच रुपये ही हैं उसी पाँच रुपये में चॉकलेट खरीद लो पेन खरीद लो चिप्स खरीद लो कुछ भी खरीद लो लिमिटेड रिसोर्स है बट वी हैव ऑल्टरनेटिवली मैनी चॉइसिस सो उसके लिए हमें ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ता है अगर चॉकलेट लूँगी तो पेन छोड़ना पड़ेगा पेन लूंगी तो चॉकलेट छोड़ना पड़ेगा सो दीज आर द बहुत थिंग्स ऐसे नहीं कि मुझे पेन की ज़रूरत नहीं है ऐसे नहीं कि मुझे चॉकलेट की जरूरत नहीं है मेरे को दोनों चीज़ों की ज़रूरत है पर लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से मुझे कोई एक लेनी पड़ेगी नीड टू सेक्रीफाइस वन थिंग टू गेट अनदर सो दिस इज ट्रेड ऑफ ओके नाउ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एंड इनकम टैक्स टू पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम जिससे इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट होती है इकोनॉमी में मतलब जो लोग थोड़ा अर्न कर रहे हैं उससे गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेके जो लोग अर्न नहीं कर रहे हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिए जाते हैं ठीक है थीके? तो इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या ट्रेड ऑफ फेस करती है गवर्नमेंट ओके फर्स्ट इज गन्स एंड बटर गन्स एंड बटर ट्रेड ऑफ कब फेस होता है गन्स एंड बटर ट्रेड ऑफ कब फेस होता है जब आप डिफेंस पे और कंजप्शन गुड्स पे गन्स हो गया आपका डिफेंस एंड बटर हो गया आपके कंजप्शन गुड कंज़प्शन गुड्स हो गए योर एवरी गुड जो भी हम कंज्यूम करते हैं लाइक फूड्स एंड ऑल दैट फूड सप्लीमेंट देन योर क्लोथ्स आर क्लोथो कंसिडर्ड एज कंज़प्शन गुड सो डिफेंस पे और कंजप्शन गुड्स पे आपका हो गया गन्स एंड बटर सो दिस इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन डिफेंस एंड कंजप्शन गुड जो होता है कि अगर आप डिफेंस पे आपका अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपका कंजप्शन गुड पे इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ करना पड़ेगा या अगर आप कंजप्शन गुड पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपका डिफेंस पे इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करना पड़ेगा ठीक है सो दिस इज़ गन्स एंड बटर नेक्स्ट इज क्लीन इन्वायॉरमेंट एंड हाई इनकम ये हम कब ट्रेड ऑफ फेस करते हैं अगर आप देख ले इंडस्ट्रियल एरियाज लाइक वी इफ गो टू इन डेली नोएडा ओके okay, जहां पे लोगों की इनकम सच में हाई इनकम होती है बट अगर हम वहाँ का एन्वायरमेंट देखें तो वहाँ का एन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं है सो so, अगर हाई इनकम अर्न करना है तो आपको इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है इसमें एक ट्रेड ऑफ हो गया आप इनकम हाई करना है तो इन्वायरमेंट भी क्लीन चाहिए सो दिस इज अंस मोर एक ट्रेड ऑफ ये हो गया नेक्स्ट हमारे पास आता है एफिशियंसी एंड इक्वालिटी नाव वॉट एफिशियंसी एंड इक्वालिटी मीनस एफिशियंसी एफिशियंसी का मतलब होता है गेटिंग मैक्सिमम फ्रॉम स्केर रिसोर्सेज आपके पास जो भी स्केयर रिसोर्सेज हैं उसका आपको मैक्सिमम लेना है इकोनॉमिक्स में स्केयर रिसोर्सेज होते हैं सो so एफिशिएंसी क्या हो गया गेटिंग मैक्सिमम, गेटिंग मैक्सिमम फ्रॉम स्केयर रिसोर्सेज जितने भी स्केयर रिसोर्सेज हैं उसमें से मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं कितना हम खुद को मतलब मैक्सिमम कितना ले सकते हैं स्क्योर रिसोर्स uh, okay? so, है वो ये आपका एफिशिएंसी एंड इक्वालिटी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग बेनिफिट्स यूनिफॉर्मली टू सोसाइटी सोसाइटी में यूनिफॉर्मली सारे बेनिफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना दैट इज़ इक्वालिटी ओके सो जब गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और इनकम टैक्स जैसी दो पॉलिसीज़ बनाती हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम को करने के लिए तो उसमें जो ट्रेड ऑफ फेस किया जाता है वो होता है एफिशिएंसी एंड इक्वालिटी इससे होता क्या है इससे हमारी इक्वालिटी को असर पड़ता है देर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन एफिशेंसी एंड इक्वालिटी बिकॉज अगर हम हाई इनकम पीपल से टैक्स लेके अनएम्प्लॉयमेंट्स को हम पे कर रहे हैं तो उसमें देर इज लाइक के वी आर दे आर नॉट गेटिंग रिवॉर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड अगर हम इनकम uh, को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऑन इक्वल स्केल ओके जो अनएम्प्लॉयड है वो उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो इम्प्लॉयड हैं उनसे टैक्स काट के हम अनएप्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रहे हैं सो देर इज़ अ ट्रेड ऑफ ऑफ एफिशेंसी एंड इक्वलिटी देर इज़ नो इक्वालिटी जो वर्क हार्ड कर रहे हैं उसको उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है अगर उनको उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो उनको जो है वो डीमोटिवेट होंगे ज्यादा से ज्यादा काम करने में ओके सो दिस इज द राइट आंसर इज एफिशेंसी एंड इक्वालिटी इज अ ट्रेड ऑफ जो गवर्नमेंट फेस करती है जब वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और इनकम टैक्स जैसी पॉलिसीज लाती है टू डिस्ट्रीब्यूट द इनकम Next question is what is trade off in layman terms? Okay, so just a minute. Okay, next question is what is uh, trade off in layman terms? Okay, so layman terms means trade off. फर्स्ट ऑफ ऑल लेमैन का क्या मतलब होता है जैसे मैंने बताया कि लेमैन इज जिसको सिंपल आसान भाषा में कॉमन मैन के लिए ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है कॉमन मैन के लिए ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है सो लेट्स सी चूजिंग बिटवीन टू गुड्स दो गुड्स के बीच में कोई एक चूज करना सेक्रीफाइजिंग वन थिंग फॉर अनदर एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ को लेना ओके और सेक्रीफाइज वन गुड यू लाइक टू अटेन अनदर गुड यू लाइक बिकॉज ऑफ स्कार रिसोर्सेस एक गुड को छोड़ना जो तुम्हें पसंद है तुम्हें पसंद है तुम्हें मगर वो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें जो दूसरा गुड है जो ज़्यादा प्रायोरिटी पे है वो खरीदना है ओके सो सेक्रीफाइस वन गुड यू लाइक टू अटेन अटेन अनदर गुड यू लाइक बिकॉज ऑफ कार रिसोर्सेज क्योंकि रिसोर्सेज कार हैं तो इस पर याद कर लो कि तुम शॉप पे गए हो और शॉप पे तुम्हारे पास सिर्फ पाँच रुपये ही हैं और पाँच रुपये ही है तुम्हारे पास शॉप पे देखिए तुम्हें चॉकलेट लेने का भी मन है पेन लेने का मन भी है और चिप्स लेने का मन भी है बट यू गिव अप ऑन बाइंग अ पेन क्योंकि स्कूल जा रहा है तो पेन जरूरी चाहिए सो इट्स लाइक सेक्रीफाइस वन गुड यू लाइक जो तुम्हें पसंद है तुम्हें चॉकलेट पसंद है पर वो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें अटेन करना है एन गुड बिकॉज ऑफ कार रिसोर्सेज पैसे तुम्हारे पास पाँच रुपए ही हैं पाँच रुपये से ज्यादा नहीं है पांच रुपये में या तो पेन आएगा या तो चॉकलेट आएगा दोनों नहीं आ सकते हैं सो so, एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दूसरा लेने के लिए नाउ देर कैन भी अगर हम देखें तो चूजिंग बिटवीन टू गोज इज अ सेम थिंग चॉकलेट और पेन के बीच में कोई एक चीज को चूज करना राइट या सेक्रीफाइसिंग वन थिंग फॉर अनदर इज इज ऑल्सो सेम थिंग ऑनली ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑप्शन सी ही राइट आंसर इसलिए बिकॉज ऑफ कार रिसोर्सेज ट्रेड ऑफ होता ही तब है जब हमारे पास रिसोर्स जो हों वो स्कार हों और स्कोनॉमिक बाई डेफिनेशन भी यही कहती है कि दैट द रिसोर्स आर स्कार एंड दोज कार रिसोर्स हैल्टरनेटिवली मैनी यूज तो हम उन स्कार रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं यही इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इट स्टडीज अमन बिहेवियर कि वो उन स्कार रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करता है टू टू फुलफिल द दऑल्टरनेट यूजेज ऑफ दो रिसोर्सेज और देर आर द स्कार दिसोर्स मैंशन क्योंकि हमारे पास कार रिसोर्स इसीलिए तो हमें चॉइस पड़ रही है सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रिंसिपल स्टेट्स कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओके सो हमारे पास जो प्रिंसिपल्स हैं देर आर टेन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ओके टेंथ प्रिंसिपल्स में हम कहते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाउ व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले हमें कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खुद पता होना चाहिए ताकि हम ऑप्शन देखें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है दैट We are giving something to get something. जैसे मैंने बोला कि हम मुझे पेन uh, और चॉकलेट दोनों लेने हैं मैं पेन को सेक्रीफाइस करूँगी सॉरी uh, चॉकलेट को सेक्रीफाइस करूँगी पेन लेने के लिए बिकॉज पेन ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल जाना है तो पेन चाहिए राइट सो पेन को लेने के लिए मैंने जो सेक्रीफाइस किया है वो हुई उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन सिंपल टर्म्स पेन को लेने के लिए चॉकलेट को सेक्रीफाइस किया है तो टू गेट अ पेन वॉट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज चॉकलेट विच आई हैव सेक्रीफाइस ओके एक पेन खरीदने के लिए चॉकलेट को सेक्रीफाइस किया तो उसकी ऑपरचुनिटी कॉस्ट है चॉकलेट दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द कॉस्ट जो हमने गिव अप की है दूसरी चीज लेने के लिए पीपल फेस ट्रेड ऑफ पीपल फेस ट्रेड ऑफ वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल जो है ट्रेड ऑफ फेस करना ये इस चीज को नहीं करेगा पीपल फेस ट्रेड ऑफ को नहीं करेगा ठीक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई हमने क्या छोड़ा कुछ पाने के लिए जो छोड़ा वो है द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज वॉट यू गिव अप गिव अप टू गेट इट ओके ट्रेड कैन मेक एवरी वन बेटर ऑफ ये भी नहीं होगा ट्रेड वाला अभी हमने कहीं पढ़ा नहीं ट्रेड पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिवस ये भी नहीं होगा सो आंसर बी इज द राइट ऑप्शन कॉस्ट ऑफ समथिंग इज वॉट यू गिव अप टू गेट इट कॉस्ट ऑफ समथिंग देखो अगर इन लेमन टर्म कोई मुझे पूछे कि वट इज द कॉस्ट ऑफ दैट पेनों के वो बोलेगा पाँच रुपये है ना बट जिसको पता है वो चॉकलेट को सेक्रीफाइस करके आया है उसके लिए होगा नहीं यार इस पाँच रुपए के पेन की कॉस्ट इस पेन की कॉस्ट पांच रुपए नहीं है इस पेन की कॉस्ट एक चॉकलेट है जो मैं शॉप पे छोड़ के आई हूं मेरा मन था चॉकलेट खाने का बट स्टिल मैं पेन उठा के लाई हूँ सो दैट पेन का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो चॉकलेट है कहते ना कि यू आर गेटिंग इट बट एट द कॉस्ट ऑफ वॉट सो दैट कॉस्ट हुआ जो वो इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वॉट अ पेन एट द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट चॉकलेट को छोड़ के पेन खरीदा है सो दैट इज द opportunity cost move up to next question question number 4 as per the economics principle rational people think at margins okay uh, decisions are taken when Ra uh, the it's i guess the third or the fourth principle of economics is uh, rational people think at the margin रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन का मतलब क्या हुआ ओके okay. इस प्रिंसिपल के हिसाब से हम डिसीजन कब लेते हैं दिस इज द क्वेश्चन रैशनल पीपल कौन होते हैं इकनॉमिक्स में एक वेरी बेसिक एग्जाम्पन हम शुरू से लेते हैं कि ऑल द पीपल आर रैशनल पीपल सब लोग रैशनल पीपल हैं रैशनल पीपल वो होते हैं जो समझदारी से डिसीजन लेते हैं सब कंडीशंस को पहले समझेंगे फिर एक डिसीजन लेंगे हर चीज़ सिचुएशन को समझ के जो लोग डिसीजन लेते हैं हम उन्हें बोलते हैं दैट दे आर द रैशनल पीपल और हम समझते हैं कि सारे लोग समझदार हैं सब लोग समझ के ही डिसीजन लेते हैं सो so, समझदार जो लोग जो है वो मार्जिन्स पे डिसीजन लेते हैं ओके okay? तो ये प्रिंसिपल कौन सा ऑप्शन इसमें से सेटिस्फाई करता है सॉरी नेशनल पीपल कब डिसीजन लेते हैं हमें ये देखना है व्हेन मार्जिनल बेनिफिट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट नाउ व्हाट इज मार्जिनल बेनिफिट एंड व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट तीनों ऑप्शन में यही है फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दी अबव लेटेस्ट सी पहले मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है मार्जिनल बेनिफिट एम बी ओके एंड मार्जिनल कॉस्ट एम सी सी मार्जिनल बेनिफिट होता है आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट से कितना बेनिफिट मिला और मार्जिनल कॉस्ट होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पे आपका कितना कॉस्ट लगा दैट इज योर मार्जिनल बेनिफिट एंड योर मार्जिनल कॉस्ट ओके लेट अस टेक एन एग्जांपल से अगर कॉस्ट ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट इज मार्जिनल कॉस्ट बेनिफिट फ्रॉम वन एक्स्ट्रा यूनिट इज मार्जिनल बेनिफिट लाइक like सी एक प्रोड्यूसिंग uh, कंपनी uh, uh, है प्रोडक्शन कंपनी है जिसकी कि नाइन यूनिट्स पे कॉस्ट आ रही है हंड्रेड ओके नाइन यूनिट्स पे कॉस्ट आ रही है हंड्रेड और टेंथ यूनिट पे कॉस्ट आई है वन हंड्रेड एंड टेन सो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी हम देखेंगे कि एडिशनल कॉस्ट कितना लगा नाइन से टेन पे आने पे एडिशनल कॉस्ट कितना लगा दैट इज़ वन हंड्रेड टेन वन हंड्रेड माइनस टेन इज टेन टेन इज द मार्जिनल कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट नेक्स्ट इज मार्जिनल बेनिफिट सो मार्जिनल बेनिफिट इज ऑल्सो लाइक दिस ठीक है अगर एक कंपनी को नाइन यूनिट सेल करने पर रेवेन्यू आ रहा है टू हंड्रेड और टेंथ यूनिट सेल करने पर रेवेन्यू आया है टू ट्वेंटी ओके सो मार्जिनल बेनिफिट कितना हुआ ट्वेंटी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू दैट इज एक्स्ट्रा यूनिट को कॉस्ट करने से वन एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने से कितना बेनिफिट आया दैट इज दैट इज द मार्जिनल बेनिफिट ओके सो यहाँ पे एक टिप दूंगी टिप या ट्रिक कह लो कि द टर्म मार्जिनल बहुत काम बहुत जगह आएगी टर्म मार्जिनल इकोनॉमिक्स में मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटिट्यूशन देन मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल प्रोडक्ट सो द टर्म मार्जिनल मार्जिनल जब भी आएगा मेक इट विद दैट कि मार्जिनल मीन्स विद सम एक्स्ट्रा यूनिट इफ इट्स मार्जिनल बेनिफिट तो मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल रेवेन्यू तो समझ लो एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ी है दैट इज अ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर लगाने से कितना प्रोडक्ट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही है दैट इज अ मार्जिनल प्रोडक्ट दैन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक एक्स्ट्रा गुड सेक्रीफाइस करने से कितने कॉस्ट आ रही है दैट इज अ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सो द मार्जिनल टर्म दैट द एम मार्जिनल टर्म जहां भी होगी मतलब ये है कि अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट और हो तो उससे कितना कॉस्ट में फर्क आता है कितना रेवेन्यू में फर्क आता है दैट इज द मार्जिनल ओके सो हमारा क्वेश्चन क्या था बैक टू द क्वेश्चन क्वेश्चन था एज पर द इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल रैशनल पीपल रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है हमारा रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन थर्ड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स डिसीजन कब लिए जाते हैं तो रैशनल पीपल थिंक एंड इमेजिन रैशनल सोचो आप समझदार हो समझदार आदमी कब सोचेगा जब उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट से कम है मतलब आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने का बेनिफिट नौ रुपये आ रहे हैं पर उस पर आपके कॉस्ट लग रही है बारह रुपये क्या आप डिसीजन लोगे नहीं यहाँ पे हमें लॉस है नहीं लेंगे ठीक है नेक्स्ट इज मार्जिनल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट आपका मार्जिनल बेनिफिट भी दस रुपये एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से दस रुपये आ रहे हैं एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से दस रुपये आ रहे हैं मतलब आप नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में हो ठीक है दिस इज़ अ सर्वाइवल सिचुएशन अभी आपके पास सर्वाइवल क्राइसिस नहीं है नेक्स्ट इज मार्जिनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पे बारह रुपये का फायदा आ रहा है और एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पे नौ रुपये का घट कास्ट जा रहा है कॉस्ट कौ, लग रही है आपकी नौ रुपये एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने में और वो बिक रही है तो आपको फायदा हो रहा है बारह रुपये का मतलब यू विल टेक डिसीजन एट दिस पॉइंट बिकॉज यहाँ पे फायदा हो रहा है मार्जिनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट सो एज पर द इकोनॉमिक्स प्रेसिपल रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिन हम तब डिसीजन लेंगे जब हमारा मार्जिनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट बिकॉज वी ऑल आर रैशनल पीपल वी आर इंटेलिजेंट और हम इंटेलिजेंट डिसीजन लेते हैं सो दैट्स वाई मार्जिनल बेनिफिट जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होगा हमारा तब भी डिसीजन लिया जाएगा ओके नेक्स्ट इज लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर और इज ट्रू हमें देखना है इसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए जैसे आई टोल्ड यू वी नीड टू सी द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ओके कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का मतलब हुआ दैट इफ़ यू आर गेटिंग आपने एक इंटरव्यू दिया है आपको बारह हज़ार की जॉब मिली आपने उसको हाँ बोल दिया ओके okay? आप वो जॉब कर रहे हो आपको बारह हज़ार की जॉब मिली तीन दिन बाद आपने एक और इंटरव्यू दिया जिसमें आपको अभी आपको पच्चीस हज़ार पैकेज मिल रहा है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ मिल रहा है तो अभी आप कौन सा जॉब करोगे ट्वेल्थ के वाला कि

सो लेट अस सी द स्टेटमेंट्स क्या है यहाँ पे सबसे पहली स्टेटमेंट है ऑपरचुनिटी कॉस्ट ऑफ अ गिवन एक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू फॉर वन फॉर ऑल फिजिबल ऑल्टरनेटिव एक्शन एक गिवन एक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है जिसमें हमने जितना भी सारे फिजिबल एक्शंस को जो है हमने छोड़ दिया है नो no. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओनली मेजर्स डायरेक्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नो डायरेक्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं होते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसे मेजर की जाती है कि वॉट वी हैव सेक्रीफाइस टू गेट बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू कैलकुलेट एक्यूरेटली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्शन वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटीफाई नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ दैट एक्शन हमें सबसे पहले नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव पता होना चाहिए लाइक like, सी अगर वहाँ पर हमने चॉकलेट को सेक्रीफाइस किया है तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव वॉज पेन बिकॉज पेन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पेन स्कूल में जाना है पेन चलाना है पेन ज़्यादा चाहिए चॉकलेट से ज़्यादा पेन चाहिए हमें वहाँ पे इतना था डेट वॉज अ रैशनल डिसीजन मेकर की पेन की ज़रूरत ज़्यादा है चॉकलेट से तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था चॉकलेट से टेन था तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ट्वेल्व के वाला जॉब ट्वेंटी तो का आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है सो द ऑप्शन थर्ड इज ऑनली राइट ऑप्शन टू कैलकुलेट एक्यूरेटली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्शन वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कि हमारे पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या अगर बारह तो हजार वाली जॉब नहीं ले रही हो तो देन कौन सा जॉब नेक्स्ट है सो आंसर इज ए थर्ड ऑनली नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स विचर द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इफेक्ट्स इंडिविजुअुअल डिसीजन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो इंडिविजुअल डिसीजन को इफेक्ट करते हैं सो देर आर टेन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और वो टेन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स तीन सेक्शंस में बटे हुए हैं ठीक है तीन सेक्शंस में बटे हैं टेन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पहला इज हाउ इंडिविजुअल मेक डिसीजन इंडिविजुअल डिसीजन कैसे लेते हैं उस पर हैं देन हाउ पीपल इंटरक्ट लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं उस पर हमारे तीन प्रिंसिपल्स हैं देन हाउ इकोनॉमी हैज होल वर्क एज इकोनॉमी होल कैसे वर्क करती है उस पर हमारे तीन प्रिंसिपल हैं ओके सो विच आर द फॉलोइंग प्रिंसिपल इन इकोनॉमिक्स इफेक्ट इंडिविजुअल डिसीजन पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव दिस इज अगर आपको इंसेंटिव मिलेगा तो आप ज़्यादा काम करोगे सो so, ये इंडिविजुअल डिसीजन को इफेक्ट करता है येस द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज़ वॉट यू गिव अप टू गेट इट ये भी इंडिविजुअल डिसीजन को इफेक्ट करता है कि चॉकलेट लें या टॉफ़ी लें या फिर चॉकलेट लें ले, या पेन लें या बारह हज़ार की जॉब लें या पच्चीस हज़ार की जॉब लें दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इफेक्ट इंडिविजुअल डिसीजन देन पीपल फेस ट्रेड ऑफ येस वी डू फेस ट्रेड ऑफ हमें हम ट्रेड ऑफ फेस करते हैं कि हमें ये लेना है कि ये लेना है ओके okay. देन ऑल ऑफ द अबव येसर राइट आंसर इज डी पार्ट ऑल ऑफ द अबव और इसमें एक फोर्थ प्रिंसिपल आता है इस हेड के अंदर इज द कॉस्ट ऑफ इसमें फोर्थ प्रिंसिपल रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिन जो हमारा प्रिंसिपल है रैशनल पीपल वाला जिसमें हमने देखा कि डिसीजन तब लिया जाता है जब मार्जिनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट दट ऑल्सो कम्स अंडर दिस हेड विच इफेक्ट्स इंडिविजुअल डिसीजन ओके दिसज आ द फोर प्रिंसिपल्स पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव द कॉट ऑफ समथिंग इज द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज वॉट यू गिव अप टू गेट इट पीपल फेस ट्रेड ऑफ एंड रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन फोर प्रिंसिपल जो किस हेड के अंदर आते हैं दैट इफेक्ट्स इंडिविजुअल डिसीजन हाउ पीपल मेक डिसीजन इस हेड के अंदर जो हमारे चार प्रिंसिपल आते हैं ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज आर मेड ऑन ऑन बेसिस ऑफ देयर ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज टू कंट्रीज़ जो ट्रेड करती हैं वो किस बेसिस पे ट्रेड होता है सो दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ द कंपेरेटिव एडवाटेज अगर हम देखें कंपेरेटिव एडवाटेज क्या होता है सो इट्स अ वास्ट टॉपिक आई डोंट थिंक सो इतना सिलेबस में खैर है नहीं है सो कंपेरेटिव एडवांटेज होता है कि जो कम जो कंट्री जिस चीज़ में प्रोफेशनल है वो उसी टेक्निक से गुड्स बनाएगी लाइक like अगर इंडिया लेबर इंटेंसिव है तो इंडिया में ज़्यादा लेबर इंटेंसिव ही गुड्स बनेंगे अगर अमेरिका कैपिटल इंटेंसिव है तो अमेरिका में ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव ही गुड्स बनेंगे और फिर वो उन दोनों गुड्स का ट्रेड कर लेंगे हम लेबर इंटेंसिव गुड्स का ट्रेड कर लेंगे अमेरिका के साथ और अमेरिका कैपिटल इंटेंसिव है अगर तो अमेरिका कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का ट्रेड कर लेगी हमारे साथ ओके सो कम्पेरेटिव एडवांटेज इज कि अपनी जो सहूलियत के हिसाब से ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं दैट इज कंपेरेटिव एडवांटेज और ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज जो होता है वो कंपेरेटिव एडवांटेज के हिसाब से होता है ऑप्शन बी था एब्सोल्यूट एडवांटेज व्हाट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज एब्सोल्यूट एडवांटेज इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद सेम अमाउंट ऑफ इनपुट्स जो अमाउंट ऑफ इनपुट्स वो यूज़ कर रहे हैं वही अमाउंट ऑफ इनपुट्स हम यूज करें तो एबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स पर कम्पेरेटिव एडवांटेज में हम ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ गड्स नहीं देखते हैं हम टेक्निक ऑफ गुड्स देखते हैं जो कंट्री जिस जिस टेक्निक में माहिर है वो उसी टेक्निक के गुड्स को प्रोड्यूस करेगी ओके सो दैट इज द कम्पेरेटिव एडवांटेज सो ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंपेटिव एडवांटेज होता है क्वेश्चन एट से पहले हम क्वेश्चन सेवन देखते हैं सॉरी क्वेश्चन नाइन देखते हैं क्वेश्चन एट से पहले फिर हम क्वेश्चन एट पे आएंगे सो क्वेश्चन इज़ Uh, what is invisible hand in free market invisible hand is kind of a magic thing in economics to whom they that is a magic magic horror that is the invisible hand in free market so what is the invisible hand in free market okay prices are naturally adjusting from supply and demand forces beneficial social and economic outcome may arise from accumulated self interested actions of individuals both a and b neither a nor b so free hand market होती है फ्री मार्केट जिसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती है प्राइजेस नेचुरली एडजस्ट होते हैं और वो प्राइजेस इस तरह से एडजस्ट होते हैं कि उसमें से हमारा सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं लाइक फ्री हैंड मार्केट क्या होती है सिंपल दिस इज अ ग्राफ दिस इज अ एक्स एक्सिस पे आपका आता है डिमांड और सप्लाई राइट दिस इज अ वाई एक्सिस वाई एक्सिस पे आपका आता है प्राइस ओके दिस इज योर डिमांड कर्व डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो भी इकोनॉमी डिमांड कर रही है ओके okay?

फ्री मार्केट जो होती है फ्री मार्केट मतलब आपका गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है उसमें और उसमें इनविजिबल हैंड किस तरह से काम करता है दैट दिस इज अ डिमांड डिमांड फोर्स दिस इज अ सप्लाई फोर्स और इस डिमांड सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गया जो डिमांड और सप्लाई हो रहा है और यही इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी के हिसाब से आ गया इक्वलिब्रियम प्राइस पी वन सो इनविजिबल हैंड मार्केट कहता है कि सॉरी <coughs> ऑटोमेटिकली डिमांड फोर्सेस से और सप्लाई फोर्सेस से जो प्राइस सेट होता है दैट इज द इनविजिबल हैंड और यहाँ पे मार्केट हमारी क्लियर है यहाँ पे हमारी मार्केट क्लियर है मतलब यहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो डिमांड इस पॉइंट पे आती है सप्लाई इस पॉइंट पे आती है मीन्स डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है दिचुए सॉरी सप्लाई इस पॉइंट पे आती है और डिमांड इस पॉइंट पे आती है मींस मार्केट क्लियर नहीं है सप्लाई हमारी कम है डिमांड ज्यादा है मींस एक्सेस वी हैव देयर इज एक्सेस डिमांड मार्केट इज नॉट क्लियर अगर हम इस पॉइंट पे आते हैं तो इस पॉइंट पे दिस इज योर डिमांड दिस इज डिमांड एंड दिस इज सप्लाई सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो मीन्स अगेन मार्केट इज नॉट क्लियर बट एट दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे योर मार्केट इज क्लियर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई और फ्री हैंड फोर्सेस से जो प्राइस हुआ ये पी दिस इज द इनविजिबल हैंड दिस इज इनविजिबल हैंड इफेक्ट दिस इज अ मैजिक ऑफ मार्केट जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से ऑटोमेटिकली एक प्राइस जनरेट होके आया और वो प्राइस ऐसा प्राइस है कि उसमें आपके सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स जो हो रहे हैं वो uh, बेनिफिशियर हैं ऐसा प्राइस एडजस्ट हुआ कि वो आपको बेनिफिट कर रहे हैं सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं ओके सो दिस इज द इनविजिबल हैंड सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट जिसमें मैंने बोला था बाद में आऊंगी Who, which economist has given concept of invisible hand who have given this concept of invisible hand so invisible hand ka concept adam smith also adam smith is father of economics okay सो एडम स्मिथ इज़ हु हैव गिवन द कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में है अमृत्य सेन अमृत सेन वो है जिनको नोबल प्राइज़ मिला था नाइनटीन नाइनटी एट में और उनको नॉबल प्राइज़ मिला था नाइनटीन नाइनटी एट में फॉर दू उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था वेलफेयर इकनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी पर उनको इसके लिए नॉ प्राइज़ मिला था और रिसेंटली नॉबल प्राइज़ मिला है हमारे अभिजीत बैनर्जी को उन्होंने क्योंकि पॉवर्टी इराडिकेशन पे कुछ पॉलिसीज निकाली थी और एक बुक भी निकला उनका पोअर इकनॉमिक्स तो रिसेंटली नोबल प्राइज़ जो मिला है वो अभिजीत बैनर्जी को मिला है नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है एल्फ्रेड मार्शल एल्फ्रेड मार्शल इज़ फादर ऑफ़ माइक्रो इकनॉमिक्स जिन्होंने हमें हमारी डिमांड सप्लाई फोर्सेज दिए हैं दैन आई सी कर्व एंड ऑल दैट दिए हैं इट ही नो एज़ फादर ऑफ माइक्रो इकनॉमिक्स नेक्स्ट इज ग्रेजुअल मैनक्यो एंड ग्रेजुराइ मैनक्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इस पर अलग से एम सी क्यों बन जाता है ग्रेजुअल मैनक्यू इज अ पर्सन जिसने की टेन प्रिंसिपल्स ऑफ इकनॉमिक्स दिए हैं सो ग्रेजो मेनक्यू की बुक में है ये पहला ही चैप्टर है उनका द टेन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जिनको तीन हेड्स में आगे डिवाइड किया गया सो ग्रेजो इज अ पर्सन हु हैव गिवन द टेन प्रिंसिपल्स ओके सो कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड हैज बिन गिवन बाय द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडन स्मिथ क्वेश्चन टेन वट कैन बी द रीजन्स फॉर मार्केट फेलियर अब इनविजिबल हैंड जो होता है दैट इज इन द मार्केट अब मार्केट फेलियर के रीजंस क्या हो सकते हैं वॉट कैन बी द रीज़न फॉर मार्केट फेलियर इनविजिबल हैंड अगर काम नहीं कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे मार्केट फेलियर मीन्स डिप्लाइन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज से अच्छा प्राइस नहीं आ रहा है या अगर प्राइस आ रहा है तो प्राइज टू हाई की कस्टमर्स सोशल बेनिफिट नहीं हो रहा है उससे कस्टमर का बेनिफिट नहीं हो रहा है उससे दिस आर द मार्केट फेलियर्स ओके सो फर्स्ट इज मार्केट पावर एंड सेकेंड इज एक्सटर्नेलिटीज थर्ड इज बोथ ए एंड बी एंड डी इज नीदर इन और बी सो द राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी मार्केट पावर मार्केट मार्केट पावर का मतलब होता है मोनोपोली काइंड ऑफ थिंग दैट एक ही बंदे के पास इतना मार्केट है कि वो पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहा है तो जब एक बंदे के पास इतनी पावर होगी कि वो पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रहा है तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगी और डिमांड सप्लाई फोर्सेस जब फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगी तो प्राइस जो है वो ऐसा सेट नहीं हो पाएगा कि वो सोशल बेनिफिट दे मे बी वो जिसके पास ज़्यादा मार्केट पावर है वो ऐसा प्राइस सेट कर ले हाई प्राइस सेट कर ले लो प्राइस सेट कर ले तो मार्केट पावर से जो है हमारे पास मार्केट फेलियर के चांसेस होते हैं एक्सटर्नलिटीज एक्सटर्नैलिटीज़ अपने में एक बहुत बड़ा टर्म है एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होता है अगर शॉर्ट करके बताएं एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होता है एक्सटर्नैलिटी इफ यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम अदर पर्सन विदाउट डूइंग एनीथिंग ओके आपको दूसरे पर्सन से बेनिफिट मिल रहा है आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं आपको तब भी उससे बेनिफिट मिल रहा है बेनिफिट कैन बी पॉजिटिव बेनिफिट कैन बी नेगेटिव ओके लाइक एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्रोड्यूस करती हैं प्रोडक्शन होता है एयर पोल्यूशन होता है सो एयर पोल्यूशन इज नेगेटिव एक्सटर्नैिटी यू आर नॉट पेइंग फॉर इट ओके यू आर नॉट पेइंग फॉर इट इफ इट इज़ नेगेटिव एक्सर्नैटी जो इंडस्ट्री को आपको कंपनसेशन पे करना चाहिए एयर पोल्यूशन का बट वो आपको नहीं पे कर रही है सो एक्सटर्नैलिटी इज समथिंग विच यू आर गेटिंग बट यू आर नॉट पेइंग फॉर इट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का अगर एग्जाम्पल देखें तो आपके uh, साथ के नेबर ने बहुत अच्छे से फ्लावर्स लगाए हुए हैं बहुत अच्छे से गार्डन मेंटेन करा हुआ है आप जब भी मॉर्निंग में उठते हो उनका गार्डन देखते हो उनके फ्लावर्स देखते हो आपका मन खुश होता है फ्लावर्स की खुशबू आती है सो यू आर नॉट पेइंग फॉर इट बट स्टिल यू आर गेटिंग ए सो इट इज़ एन एक्सटर्नैिटी इट इज़ एन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी सो एक्सटर्नलिटीज़ आर ऑल्सो मेन रीजन ऑफ मार्केट फेलियर You are not paying for it but you are getting it okay and market power. So these are the two reasons which are responsible for your um, market failure. So option C is right answer that is both a and B. Come to the next question why the intervention of government is necessary in flow free flow market following invisible hands magic? अब इनविजिबल हैंड्स मैडिक जो हमारे एडम स्मिथ ने दिया है इनविजिबल हैंड इकॉनमी को उसके फ्री फ्लो में हमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी होता है गवर्नमेंट इंटरवेंट करती है एज यू नो कि इंडिया की इकॉनमी इज़ नॉट अ फ्री मार्केट इकॉनॉमी हमारी इंडियन इकॉनॉमी फ्री मार्केट नहीं है हमारे इंडियन इकोनॉमी सेंट्रल प्लान नहीं है इट्स अ मिक्सड इकॉनॉमी फ्री मार्केट और सेंट्रल प्लान का मिक्स है हमारे पास फ्री ओके सो क्यों गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज ऑफ मार्केट फेलियर्स हमने देखा इनविजिबल ऊपर देखा हमने कि इनविजिबल हैंड में जो हमारे पास फ्री मार्केट होती है उसमें हमारे पास मार्केट फेलियर होते हैं बिकॉज ऑफ एक्सटर्नैलिटी बिकॉज ऑफ मार्केट पावर ओके बिकॉज ऑफ एफिशंसी एंड इक्वेलिटी हाँ अब देखो इकॉनॉमी में कोई इंटरवेंशन नहीं है जो तुम डिमांड कर रहे हो वो सप्लाई हो रहा है और उस डिमांड सप्लाई फोर्सेस से एक प्राइस सेट हो रहा है और उस प्राइस पे तुम्हें मिल रहा है ओके okay? सो so, कोई इकॉनॉमी में को, कोई कोई इंटरवेंशन नहीं है तो उसमें हमारे पास ना एफिशिएंसी रहेगी ना इक्वालिटी रहेगी एफिशियंसी क्या था गेटिंग मैक्सिमम ऑफ स्टार रिसोर्सेज एंड इक्वालिटी क्या था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ बेनिफिट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए सो so, अगर इन्विजिबल हैंड के टर्म्स से हमारी मार्केट चलती है तो हमारे पास ना ही एफिशियसी रहेगी ना ही इक्वालिटी रहेगी टू कंट्रोल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट अगर गवर्नमेंट नहीं होगी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगी तो रिसोर्सेज को कौन बचाएगा जो मोनोपोलिस्टिक होंगे जिनके पास मार्केट पावर होगी जो बड़े बड़े लोग होंगे दे ऑल दे वॉन्ट टू मेक इज प्रॉफिट उनको ज्यादा पैसा पे होगा अगर अगर ज़्यादा पैसा ज़्यादा डिमांड होगी डिमांड इंक्रीज़ करेगी प्राइस इंक्रीज़ करेगी वो सप्लाई भी इंक्रीज करेंगे तो स्का रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो जाएंगे देर विल बी नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओके सो द आंसर इज़ ऑल ऑफ द अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों जरूरी है क्योंकि मार्केट फेलियर्स हो जाते हैं क्योंकि एफिशेंसी और इक्वालिटी नहीं रहती है इकोनॉमी में और स्का रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट करना है और अगर थर्ड हम देखें तो गवर्नमेंट एक और ऑप्शन आ सकता है कि गवर्नमेंट का क्यों होना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ नार्कोटिक्स नाउ एग्जाम्पल कि आप ड्रग्स की हो रही है इफ नेगेटिव गुड्स आर गोइंग टू डिमांड ड्रग्स की डिमांड हो रही है ड्रग्स की सप्लाई हो रही है एक प्राइस सेट हो गया तो उसके लिए भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट पुलिस का भी आना बहुत जरूरी है सो फॉलोइंग प्रिंसिपल नॉट कंसर्न विद हाउ पीपल इंटरक्ट विदर सो so, मैंने आपको पहले भी बताया कि uh, रॉय मैनक्यू जिन्होंने ये टेन प्रिंसिपल्स ये हैं इनको थ्री हेड्स में रखा हुआ है इन uh, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं ये थ्री हेड्स में हैं, हाउ पीपल मेक डिसीजन हाउ पीपल इंटरेक्ट एंड हाउ इकोनॉमी एज होल वर्क सो क्वेश्चन ये कौन सा प्रिंसिपल जो है वो ये कंसर्न नहीं करता कि हाउ पीपल इंटरक्ट हाउ पीपल इंटरक्ट से नहीं है वो ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ अब अगर पीपल एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे तभी तो ट्रेड होगा सो so, ये प्रिंसिपल तो करता है प्राइस राइज वेन गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी प्राइस इंक्रीज तब होता है जब गवर्नमेंट टू मच मनी प्रिंट करती है दस इज इन्फ्लेशन अकर्स वेन गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी दिस इज अगेन वन ऑफ द प्रिंसिपल ओके नेक्स्ट इज मार्केट आर यूजली गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हमें मार्केट्स ऑर्गेनाइज की जाती है मार्केट इज़ बेसिकली जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है और बाइंग एंड सेलिंग तभी होता है जब पीपल इंटरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन समटाइम्स इंप्रूव मार्केट रिजल्ट ओके अगेन मार्केट मार्केट इज़ वेयर पीपल इंटरैक्ट और वहाँ पर अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन आती है तो समाइम्स रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव होते हैं हमने ऊपर पढ़ा कि क्यों गवर्नमेंट इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट होती है सो so, जो इसमें से नहीं है विच इज विच डज नॉट फॉलो द हाउ पीपल इंटरेक्ट विद वन अदर इज प्राइज इज राइज वन गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी सो ये प्रिंसिपल किस में आता है ये प्रिंसिपल आता है हाउ इकॉनॉमी एज होल वर्क में आएगा ये बिकॉज हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन इन होल इकोनॉमी कैसे आती है वो हम देखेंगे विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन में ओके okay? next question, number 13. Uh, growth rate of nations' productivity determines the growth rate of its average income. it's a statement. again, growth rate of nations' productivity determines growth rate of its average income. which principle satisfies the written statement? among the ten principles, this is uh, one of the statements taken from the Greyjoy menkew's book only. ओके मेनक्यू से ही ये स्टेटमेंट लिया गया है हु टेन प्रिंसिपल जिसे टेन प्रिंसिपल्स लिखे हैं ग्रोथ रेट ऑफ नेशन प्रोडक्टिव नेशन प्रोडक्टिविटी का जो ग्रोथ रेट है वो डिटर्मिन करता है कि उसकी नेशन की एवरेज इनकम का ग्रोथ रेट कितना होगा प्राइस राइस वेन गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी दिस इज रिलेटेड विद द इन्फ्लेशन नो सोसाइटी फेसिज अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ फेस करना नो अ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स गुड्स एंड 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 सर्विसेज द थर्ड ऑप्शन इज ऑल ऑफ अब सी हमारे पास जो यहाँ पे जस्ट मिनट जो स्टेटमेंट है वो है ग्रोथ ग्रोथ रेट ऑफ़ ऑफ़ नेशन प्रोडक्टिविटी इट्स एवरेज इनकम हमें एवरेज इनकम एवरेज इनकम मतलब होता है पर पर्सन इनकम कितना आ रहा है पर पर्सन इनकम कितना आ रहा है दैट एवरेज इनकम अगर हमें यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से भी देखना हो या हमें यहाँ पे uh, एक सब एलिमिनेशन मेथड से भी देखना हो अगर हमें तो कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड लिविंग बिकॉज एवरेज इनकम इज पर पर्सन इनकम एंड पर पर्सन इनकम ही बताती है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है ओके सो द प्रिंसिपल दैट सेटिस्फाइज द रिटर्न स्टेटमेंट इज अ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ओके एंड विद दिस एक और चीज है कि दीज थ्री प्रिंसिपल्स

सो हाउ पीपल इंटरैक्ट में देर आर फोर प्रिंसिपल सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा पीपल फेस ट्रेड ऑफ दूसरा प्रिंसिपल है हमारे पास कॉस्ट ऑफ समथिंग इज वॉट यू गिफ्ट टू गेट इट थर्ड इज़ रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिन एंड फोर्थ इज पीपल रिस्पोंड टू इंसेंटिव ओके दिस इज दिस कम्स अंडर हैड हाउ पीपल मेक डिसीजन नेक्स्ट इज हाउ पीपल इंटरेक्ट जिसमें हमारी मार्केट्स डिस्कस होगा ट्रेड डिस्कस होगा वो होगा हाउ पीपल इंटरेक्ट ट्रेड कैन मेक एवरी वन बेटर ऑफ मार्केट्स आर यूजली गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड देन गवर्नमेंट समटाइम्स इंटरवेंट टू इंप्रूव मार्केट आउटकम्स ओके इस थर्ड सेक्शन जो हमारे पास आता है थर्ड सेक्शन इज़ ऑन हाउ इकोनॉमी एज होल वर्क जो जिसमें कि अगेन हमारे तीन प्रिंसिपल्स आती हैं कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ओके जिसमें हम अपनी एवरेज प्रोडक्टिविटी और एवरेज इनकम देखते हैं नेक्स्ट प्राइज राइज वेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी इन्फ्लेशन तब होता है जब गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा प्रिंट करना शुरू कर देती है एंड द लास्ट इज़ अ सोसाइटी फेसिस शॉर्ट टर्न ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ फेस किया जाता है शॉर्ट टर्न ट्रेड ऑफ देयर इज बिटवी इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये भी हम देखेंगे कि कैसे होता है ओके सो दीज आर थ्री है कि दस प्रिंसिपल्स को डिवाइड किया गया है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टीन वाइल सेटिंग एनी पब्लिक पॉलिसी द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड लिविंग स्टैंडर्ड इज टेकन इन टू कंसनट्रेशन ओके The uh, the relation. Just a minute. While setting any public policy, the relationship between production and the living standard is taken into consideration. How? बोथ टू बी टेकन एज पैरलर तो दोनों को कैसे पैरलर लेके चलेंगे हम पब्लिक पॉलिसी हम यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं मतलब इकोनॉमी एज अ होल का काम हो रहा है सो वी आर अंडर द थर्ड हेड जो हमारा थर्ड हेड था हम एन क्यू का इकोनॉमी एज अ होल कैसे वर्क करता है जिसमें हमारे तीन प्रिंसिपल्स आते हैं तीन प्रिंसिपल्स हमारे कौन से आते हैं उसमें हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल आता है कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्ड एंड सर्विसज दैन प्राइस राइज वैन गवर्व प्रिंट्स टू मच मनी एंड सोसाइटी फेसिस शॉर्ट एंड ट्रेड ऑफ बिटवी इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखें हम तो ये कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन है वर्ड सेटिंग एनी पब्लिक पॉलिसी रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड की बात हो रही है स्टेकन इन टू कंसेंड्रेशन सो हमें कैसे दोनों को हम पैरल लेके चलते हैं कोई भी पब्लिक पॉलिसी जब गवर्नमेंट सेट करती है तो उसको होता है कि वो कैसे पब्लिक पॉलिसी लिविंग स्टैंडर्ड पर कैसे इफेक्ट करेगी और प्रोडक्शन पर कैसे इफेक्ट करेगी ठीक है तो उन दोनों को हमें कैसे पैरल लेके चलना है ये देखना है सो लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है लिविंग स्टैंडर्ड इज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ कंजप्शन जो भी एक हाउस होल्ड है या एवरेज पर्सन है उसका क्या क्वांटिटी और क्या क्वालिटी है उसके कंजप्शन का दैट इज दैट डिफाइंस योर लिविंग स्टैंडर्ड ओके सो हाउ दिस दिस बोथ लिविंग स्टैंडर्ड एंड प्रोडक्शन पैरली टेकन टू बूस्ट लिविंग स्टैंडर्ड पॉलिसी मेकर्स नीड टू रेस प्रोडक्शन बाई इंश्योरिंग दैट वर्कर्स आर वेल एजुकेटेड येस प्रोडक्शन वैसे होगा कि वर्कर्स जो वेल एजुकेटेड होंगे तो अच्छे से प्रोडक्शन होगा और उससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा हैव द टूल्स नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस टूल्स भी होने चाहिए जो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करें हैव एक्सेस टू द बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी सो ऑल ऑफ द अब इज द राइट आंसर राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव लाइक पब्लिक पॉलिसी जो बनाती है उसको रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन और लिविंग स्टैंडर्ड का पैर चलना चाहिए बहुत ज्यादा टेकन इन टू कंसनट्रेशन तो हमारे पास प्रोडक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि वेल एजुकेटेड वर्कर्स वी आर हैविंग वेल एजुकेटेड वर्कर्स होंगे तो अच्छा प्रोडक्शन होगा लिविंग स्टैंडर्ड रेस होगा वी शुड हैव टूल्स टूल्स टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड हैव एक्सेस बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी सो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन देर इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रीज वट कूड बी द बेसिक रीजन फॉर दैट वी सी द लिविंग स्टैंडर्ड इन इंडिया इज वेरी मच डिफरेंट फ्राम द लिविंग स्टैंडर्ड इन यू एस ए इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्राम लिविंग स्टैंडर्ड इन जैपान हर कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो डिफरेंट होता है तो वट कुड भी द रीजन फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी क्या होती है क्वाटिटी ऑफ गुज एंड सर्विसज प्रोड्यूसड फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ लेबर इनपुट मतलब एवरेज प्रोडक्शन जब हम देखें कि एक लेबर ने या एक कैपिटल ने कितना प्रोड्यूस किया है दैट इज प्रोडक्टिविटी ओके यस प्रोडक्टिविटी कितनी है कंट्री की वो भी डिफाइन करती है कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा रहेगा नेक्स्ट इज ना नेशनल इनकम तो यस yes. अगर एक कंट्री की नेशनल इनकम हाई होगी तो उनका हाई लिविंग स्टैंडर्ड होगा लो नेशनल इनकम होगी तो लो लिविंग स्टैंडर्ड होगा सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बोथ ए एंड बी बोथ ए एंड बी और बोथ प्रोडक्टिविटी एंड नेशनल इनकम द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ कंट्री सो दैट्स वाई बिकॉज दीज टू डिफर्स ये दोनों ही डिफरेंट uh, डिफरेंट रहते हैं इसकी वजह से जो है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रीज जो है वो डिफरेंट होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फ्लेशन इन इकॉनॉमी इंक्रीजेज वेन ओके सो जो हमारा मैं तब से बोल रही हूँ कि एक प्रिंसिपल आता है इकोनॉमी एज अ होल में दैट प्राइज राइज वेन गवर्नमेंट प्रिंट्स मोर मनी है ना सो देर इज़ एन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी क्वान्टिटी ऑफ मनी जब इकोनॉमी में इंक्रीज होती है तो हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ती है ओके okay? नो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ़ मनी डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ़ मनी डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी होगा तो डिफ्लेशन होगा नन ऑफ दी अव दू सो देर इज एन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी नाउ पीपल विल से अगर uh, मतलब एक लेमैन uh, के दिमाग में क्या आएगा कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो रही है तो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है एक क्वेश्चन है ना कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा प्रिंट कर रही है तो उससे इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है कहते हैं कि लाइक जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था इन 1947 फोर्टी सेवन वन रुपी इज़ इक्वल टू वन डॉलर बट नाउ इट्स नॉट द रियलिटी अभी एक डॉलर सत्तर रुपये के बराबर आ चुका है राइट right? सत्तर रुपये से भी ज़्यादा है बल्कि अभी तो सो द थिंग इज़ कि ऐसा क्यों हुआ है इतना इन्फ्लेशन क्यों हुआ प्रिंटिंग मनी से कैसे इन्फ्लेशन होता है सो बेसिकली इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स क्या डील करती है विद द स्कार रिसोर्सिज एंड दोज कार रिसोर्सनेटिवली मैनी यूजेसि मैनी यूजिज ओके स्कार रिसोर्स हैल्टरनेटिवली मनी रिसोर्स बट दोज आर स्कार स्क मतलब वो खत्म होने वाले हैं एक ना एक दिन आके ख़त्म हो जाएंगे ओके नो इफ़ गवर्नमेंट प्रोड्यूस टू मच मनी अगर हमारे पास क्वान्टिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो जाता है लाइक मेरी पहले सैलरी थी पच्चीस हजार अब मुझे मिल रहा है पैंतीस हजार ओके okay? इकोनॉमी में मनी क्वांटिटी बढ़ा है मुझे पैंतीस हज़ार मिल रहा है पच्चीस हज़ार में मेरी डिमांड कम थी मैं लेस डिमांड कर रही थी बट अगर मुझे पैंतीस हज़ार मिल रहा है आई एम डिमांडिंग मोर इफ आई एम डिमांडिंग मोर तो सप्लाई तो लिमिटेड है अपने पास सप्लाई तो इंक्रीज नहीं हो रही है ना लेट्स से सप्लाई इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ स्कार रिसोर्सेज प्रोडक्शन तो लिमिटेड ही होगा प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा है लाइक right? इमेजिन uh, कि आप एक शॉप पे गए हो अगर हम इसको छोटे स्केल पे ले आते हैं आप एक शॉप पे गए हो शॉपकीपर के पास सिर्फ पाँच किलो चावल बचा है फाइव के जी राइस जो है वो बचा है अब आपके पास भी पैसे हैं आपके नेबर के पास भी पैसे हैं आपके जो सेकंड नेबर हैं उनके पास भी पैसे हैं तो ये पाँच किलो चावल ही है पाँच किलो चावल से ज़्यादा है ही नहीं है उसके पास तो आप क्या करोगे आप बोले वो बोलेगा यार मैं पाँच सौ देता हूँ मुझे दे दे पाँच किलो चावल आप बोलोगे नहीं नहीं यार मैं तो हज़ार देता हूँ मुझे दे दे तीसरा बोलेगा मैं पंद्रह सौ देता हूँ सो दिस इज़ हाउ प्राइज इन इकोनॉमी इंक्रीज जब आपके हाथ में पैसा है अगर आपके हाथ में पैसा ही 500, नहीं होता आपके पास होते ही पाँच सौ या आपके पास होता ही दो सौ तो आप बोलते यार मेरे पास तो दो सौ ही है मुझे दो सौ में ही दे दे, दे जितना दे सकता है तो सेकेंड पर्सन भी ऐसा ही बोलता सो इट इज़ लाइक जब आपके पास हाथ में जब ज़्यादा पैसा होता है तो हम किसी जो रिसोर्स हमारे पास कार है उसकी इतनी वैल्यू है भी नहीं है पर फिर भी हम उसकी ज़्यादा वैल्यू पे करने को रेडी हो जाते हैं द द प्रोडक्ट डजेंट मतलब प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू है ही नहीं है बट स्टिल वी आर पेइंग मोर फॉर इट सो दिस इज हाउ हैपन्स जब इकोनमी में क्वांटिटी ऑफ मनी ज़्यादा होती है सो इन्फ्लेशन अकर्स वेन देयर इज़ मोर क्वान्टिटी ऑफ मनी बट यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इन्फ्लेशन प्राइस पायरल इन्फ्लेशन प्राइस स्पायरल हम बोलते हैं इसको इन्फ्लेशन प्राइस स्पायरल मीन्स वेयर प्राइजेस कैचेज वेजेस एंड वेजेस कैचेज प्राइजेस ओके क्या होता है कि अब क्या होता है कि अब प्राइस हाई होता है प्राइस हाई होने की वजह से गवर्नमेंट जो है वो डीए बढ़ा देती है डी अलाउंस बढ़ता है या टैक्सेस डिक्रीज़ होते हैं ताकि लोगों के पास पैसा बचे इन शॉर्ट आपकी वेजेस इंक्रीज़ होती हैं अब जब वेजेस इंक्रीज़ होती है वेजेस इंक्रीज़ होने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं सो दिस इज़ अ वेज प्राइस स्पायरल जो हमारे पास बन जाता है ओके okay, सो so, uh, हमें इतना डीप में नहीं जाना है अभी हमें यही देखना है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में कब होती है जब क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होती है क्योंकि रिसोर्सेज तो स्कार हैं उनका ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है सो दिस इज़ सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ग्रोथ इन क्वांटिटी ऑफ मनी एसोसिएटेड विद इन्फ्लेशन आई गेस मैंने ये पिछले क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर दिया कि जब आपके पास रिसोर्स कम है बट यू आर विलिंग टू पे इट बिकॉज यू हैव मनी पावर विद यू आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप इसीलिए इसको पे करने को तैयार हो ओके okay? जैसे है देर इज टू मच मनी बैकिंग टू लीटर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज येस वो पाँच ही किलो चावल है जिसके लिए कोई पंद्रह सौ पे करने को रेडी और कोई पाँच सौ पे करने के लिए रेडी है बल्कि उनका रेट इतना है नहीं है

मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से मनी सप्लाई इंक्रीज इज बेसिकली गवर्नमेंट इज प्रिंटिंग मोर मनी एंड क्वांटिटी ऑफ मनी इन इकोानमी इंक्रीज आपके पास कैश इन हैंड ज़्यादा है ओके सो मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है इसको करेक्ट कर लेना दिस इज नॉट मार्केट सप्लाई दिस इज मनी सप्लाई मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से आपका डिमांड इंक्रीज हो रहा है ओके डिमांड इंक्रीज होने से रिसोर्सिज आर स्केयर सप्लाई इज लिमिटेड सप्लाई लिमिटेड है क्योंकि वी हैव स्कार रिसोर्सेज या फिर रिसोर्सेज कम है सो प्राइस इंक्रीज हो रही है रियल उिटूट आउटपुट इज नॉट मच इंक्रीजिंग हमारे पास उससे जो प्रोडक्शन है जो रियल आउटपुट है वो इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है ओके बट प्राइस इंक्रीज हो रहा है सो दिस इज इज हमारे पास जो है दिस हाउ ग्रोथ इन ऑफ मनी एसोसिएटेड विद इन्फ्लेशन सो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे पास सही है लास्ट ऑप्शन क्या है लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव सो दस ऑल ऑफ द अबव इज़ राइट आंसर यहाँ पे रेफरेंस के लिए एक ग्राफ दिया गया है सी दिस ग्राफ इज़ ऑनली फॉर रेफरेंस इन्फ्लेशन का ग्राफ ऐसे नहीं होता है उसमें सप्लाई जो अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होती है सप्लाई कांस्टेंट होती है ठीक है सो दिस इज़ द डिमांड कर्व जो आपके पास पहले था अभी आपके पास प्राइज सॉरी uh, अभी आपके पास कैश इन हैंड इंक्रीज़ हुआ है मतलब क्वांटिटी इन मनी सप्लाई क्वांटिटी ग्रोथ ऑफ़ मनी जो है वो इंक्रीज़ हुई है मनी सप्लाई का क्वांटिटी इंक्रीज़ हुआ है तो उससे आपके पास पैसा ज़्यादा तो अब आप ज़्यादा डिमांड हो यूर डिमांड हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम डी टू डी डैश यूर डिमांड इज़ इंक्रीज सो जो वो डिमांड इंक्रीज़ हुई है so, सो वो प्राइस पहले कहाँ था मानो पहले पी था अब इट इज़ पी वन सो so, प्राइज इंक्रीज फ्रॉम तो पी टू तो पी वन और क्वान्टिटी भी देखें हम तो क्यू से क्यू वन होती है बट रियल आउटपुट इज नॉट मच इंक्रीजिंग बट ये जो इंक्रीज होता है ये इतना ज्यादा नहीं है दैट्स वाई आई एम सेंग ग्राफ इज ओनली फॉर रेफरेंस ताकि आपको पता चले कि अगर हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई कॉन्स्टेंट है तो प्राइस इंक्रीज होता है ओके डिमांड इंक्रीज हो रही है सप्लाई कॉन्सटेंट है तो प्राइस इंक्रीज होता है सो so, यहाँ पे एक नोट है इन्फ्लेशन पे ही है ये इंडिया का है कि इंडिया का नाइनटीन सिक्सटी नाइन से लेके टू थाउजेंड थर्टीन तक एवरेज जो इन्फ्लेशन रहा है वो सेवन पॉइंट सेवन परसेंट रहा है ओके okay? दैन अक्टूबर नाइनटीन सेवेंटी फोर वॉज द हाइएस्ट इन्फ्लेशन पीरियड इन इंडिया दैट इज थर्टी फोर पॉइंट सेवन परसेंट मई नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में इन्फ्लेशन वॉज इन नेगेटिव दट इज माइनस इलेवन पॉइंट थ्री और करंट इट इज़ फोर पॉइंट फोर एट परसेंट दैट इज मेजर्ड बाय कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स नॉट होलसेल प्राइज इंडेक्स इंडेक्सेज में अगर हमने पढ़ा होगा तो दो होते हैं कंज्यूमर एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स सो फोर पॉइंट फोर एट करंट ट्वेंटी ट्वेंटी वन का जो कि मेजर किया कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स ने और कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स कौन मेजर करता है मॉस मॉस्पी दैट इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ स्टार्ट करंट इन्फ्लेशन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है इसका हमारा वो है विच प्रिंसिपल डिस्क्राइब हाउ द इकोनॉमी होल वर्क्स सो इकॉनॉमी होल वर्क के तीन प्रिंसिपल हैं ओके कौन कौन से हैं प्राइस इंक्रीज वेन गवर्नमेंट प्रिंट्स मोर मनी पहला प्रिंसिपल यही रहेगा हमारा प्राइस राइज वैन गवर्नमेंट प्रिंस टू मच मनी या ये है इकोनॉमी एज अ होल्ड में दूसरा है कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज यस ये भी है एंड थर्ड प्रिंसिपल है शॉर्ट रर्न में देर इज इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट सो थर्ड प्रिंसिपल हमारा वो है सो सोसाइटी फेसिस शॉर्ट एन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट येस ये भी है सो ऑल दिस थ्री प्रिंसिपल्स आर देयर ओके अभी अगर देखा जाए तो इन एम सीरीज़ में ऑलमोस्ट हमने सारे ही प्रिंसिपल इस एम में हमने सारे ही प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए हैं एक्सेप्ट वन प्रिंसिपल जो है सोसाइटी फीस शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट सो इसका एक जस्ट देती हूँ मैम ठीक है ये ये जो रेफरेंस ग्राफ है हमारे पास शॉर्ट रन में नॉट इन लॉन्ग रन देखो उसमें प्रिंसिपल में लिखा है सोसाइटी फेस शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ़ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ मैंने बताया कि एक को पाने के लिए एक खोना पड़ेगा मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अचीव करना है तो इन्फ्लेशन को छोड़ना पड़ेगा ओके okay. मतलब ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो यहाँ पे इन्फ्लेशन होगा ओके okay. और अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा सो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली अन्प्लॉयमेंट मीन्स कम लोग एम्प्लॉयड है सो शॉर्ट रन अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होता है शॉर्ट रन अनएम्प्लॉयमेंट इस बेसिकली देखो यहाँ भी ये हमारी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है इस क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए अगर हमारे पास क्वांटिटी मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो रही है डिमांड ज़्यादा हो रही है सप्लाई लिमिटेड है पर थोड़ा सा हमने बोला देर इज़ नॉट मच इंक्रीज़ इन रियल आउटपुट पर थोड़ा इंक्रीज़ तो थो होता है उस रियल आउटपुट को थोड़ा इंक्रीज़ करने के लिए हमें ज़्यादा लेबर चाहिए उस ज़्यादा लेबर के लिए हम क्या करेंगे वो ज्यादा लेबर पाने के लिए जो है कंपनी जो प्रोडक्शन हब्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट निकालेंगे कि हमें थोड़ी सी लोगों की ज़रूरत है लोग एम्प्लॉय होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज़ होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज़ होगा पर इन्फ्लेशन हमारा क्या होगा इंक्रीज़ होगा सो देयर इज अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन एंड जस्ट फॉर रेफरेंस एक चीज़ और बता देती हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं फिलिप्स कर्व पीसी, फिलिप्स का हमारा होता है जो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लेशन रहता है वाई एक्सिस पे और अनएम्प्लॉयमेंट रहता है एक्स एक्सिस पे सो दैट इज डन विद टुडेस प्रिंस एमसीक्यूज़ ऑन प्रिंसिपल्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। थैंक यू